गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर, तो समझना ये होता है बड़ा मुश्किल, क्या करे क्या करे। जैसे कि रॉकेट में उड़ना, ये मम्मी से लड़ना, या आईफिल टावर पे चढ़ना, जो है ही नहीं उसका पता लगाना, या फिर बंदर को नहाना, पानी में चलना, फ्रैंकेस्टाइन का भेजा ढूंढ के लाना, ऊपर जाना, रोलर चलाना, या बहन को पागल बनाना। तो देखा जाए तो छुट्टियों के मौसम में हो सकता है धमाल, Come on, Betty! है कमाल के फिनियस एंड फर्ब, क्योंकि ये करते हैं कमाल, है कमाल के फिनियस एंड फर्ब, क्योंकि ये करते हैं कमाल। Mom! फिनियस और फर्ब टाइटल सीक्वेंस बना रहे हैं। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और धूप खिली हुई है। लेडीज, क्या आपने उल्का की बौछार तले होने वाले डांस का प्रोग्राम बनाया है? लगता है डैनविल के लोग आज रात उल्का की बौछार देखने के लिए बड़े बेताब हैं। एक मीटियोर शावर, क्या बात है! जरा सोचो, इस वक्त आसमान में बहुत सारे मीटियोर्स तेजी से धरती की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों, ओ तुम यहाँ हो, देखो मैं इंटरनेट से तुम लोगों के लिए क्या लाया। अरे वाह, एक ग्रह हमारे नाम कर दिया। अब तुम आकाश के एक छोटे से हिस्से के मालिक हो। आपने कैंडिस के नाम भी किया है? हाँ, किया है, बिल्कुल किया है, हालांकि उसे इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं है। खैर, हजारों लोग नेट पर ग्रह खरीद रहे हैं। पता, 1889 में ओक्लाहोमा में मुफ्त मकान मिलने पर भी लोगों में इतना जोश नहीं था। मैं इनकी ऐसी प्यारी और अजीब और गरीब बातों पर ही तो फिदा हुई थी। विविन और मैं टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं, मजे करो बच्चों। ओके डियर, गुड लक। यहाँ बातें करने के बजाय क्यों ना मैं इंटरनेट पर कुछ और ग्रह खरीद लूं? क्यों ना हम अपने नाम का ग्रह देखने चलें? आकाश की सैर में मजा आएगा। ग्रेविटी से दूर, ट्यूब में से डिनर खाना, बाथरूम जाए बिना बाथरूम जाना, पंख जैसे हवा में उड़ना। फब, मुझे पता आज हम क्या करेंगे। जर्मी, मैं सोच रही थी कि क्या तुम मेरे साथ द नाइट ऑफ द फॉलिंग स्टार्स वाली डांस पार्टी के लिए चलोगे? तुम्हारे साथ? तुम जरूर मजाक कर रही हो। इसीलिए स्टेसी, मैं जर्मी से डांस के लिए नहीं पूछूंगी। ये तुम्हारे लिए परेशानी वाली बात होगी ना? ऐसा हो सकता है? उसने मना कर दिया तो? मेरा मजाक उड़ाया तो? तुम उससे इतना डरती क्यों हो कैंडिस? तुम उसे बहुत पसंद हो, वो ना नहीं कहेगा। अब मैं फोन रखती हूँ और उसके बाद तुम अभी जर्मी को फोन करो। वक्त बर्बाद मत करो, फोन करो जल्दी से। हाँ, अब मैं किसी से भी नहीं डरने वाली हूँ। स्टेसी, सुनो, मैं नहीं कर पाऊंगी। आओ चलो स्पेस में चले, सुना है कि जगह है वो कमाल, न ज्यादा हवा न ग्रेविटी है, वहाँ जाके करेंगे धमाल। आओ चलो स्पेस में, आओ चलो स्पेस में, आओ चलो स्पेस में चले, आओ चलो स्टार्स पे चले, वहां से देखेंगे अर्थ को, कैसा लगता हमारा ये घर, सब कहते हैं अर्थ जिसको, आओ चलो स्टार्स पे चले। चलो स्पेस में, एलियंस के देश में, आओ चलो स्पेस में चले। और ये रहा मिशन कंट्रोल। काफी छोटा है। ओ, ये बाहर से छोटा लगता है, पर फर्ब ने अंदर से बहुत बड़ा बनाया है। हे फिनियस, तुमसे एक बात पूछूं, मेरे साथ डांस। एक्सक्यूज मी फिनियस, कुछ जरूरी कागजातों पर साइन करना है। अभी आया, एक मिनट रुको इजाबेला। अच्छा ठीक है। धीरे क्यों चल रहे हो? इफेक्ट के लिए। तैयार हो? सारे ऑपरेशंस ऑटोमेटिक हैं। चलो इसे फायर करते हैं। सारी तैयारी पूरी, काउंटडाउन शुरू करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 फायर अभी। इसे कार के
की बैटरी से जोड़ना होगा। स्टेसी, अगर जर्मी से बात करते वक्त कोई सैटेलाइट नीचे गिर गया तो? एक मिनट, वहाँ क्या हो रहा है? मैं बाद में फोन करती हूँ। पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को ग्राउंड में, ठीक है? मुसीबतें, क्या बहने ऐसे ही परेशान रहती है? नहीं, मुझे इनसे निपटना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि मुझे दुनिया में और कोई काम ही नहीं है। हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, पर मॉम को पता चलता है नहीं, उन्हें डांट पड़ती है नहीं। एक और बात, रिमोट मिला तुम्हें? दोस्तों, तुम्हें जरा ये देखना चाहिए। कैंडिस, पर तुम वहाँ कैसे पहुँच गई? सुनाई नहीं दे रहा, मेरे गालों ने कान ढक दिए हैं। हमें उसकी मदद करनी होगी। अच्छा हुआ दो रॉकेट्स बनाए। वाह, बढ़िया है। ये कैंडिस के लिए बनाया था, पता नहीं हमारा क्यों ले गए। इसे पार करना होगा। ओ, ये सब तो धरती पर भी होता है, अब यहाँ भी। तुम्हें लेने आ रहे हैं कैंडिस। हे, वो स्क्रीन पर है। कैंडिस, घबराओ मत, वो ऑटोमेटिक है। तुम इधर उधर बटन नहीं दबाओगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, समझी? सुनाई नहीं दे रहा, मैं बस जो बटन दिखता है दबा रही हूँ। ये बताओ कैंडिस, पेरी कहाँ है? पता नहीं, रॉकेट उड़ने से पहले उतर गया होगा। एजेंट पे, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। वो डूफेंशमार्क्स, उसने स्पेस स्टेशन बनाया है लेकिन पैसे की कमी है, इसलिए हम तुम्हें स्पेस में नहीं भेज सकते। मैंने प्रेसिडेंट से बात की है। एजेंट पे, तुम स्पेस में हो? शाबाश, हमेशा एक कदम आगे रहते हो। जाओ डूफेंशमार्क्स को ढूंढो और उसे रोको। एजेंट पे, एजेंट पे, एजेंट पे। अरे सुनो, ये चमकीली लाल चीजें मेरी तरफ आ रही है। हाँ कैंडिस, वो एस्ट्रॉइड्स हैं। एस्ट्रॉइड्स? ये तो फिल्म स्टार वॉर्स का सीन है, हम काफी नजदीक हैं। ओह, उसका इंजन खराब हो गया, आओ उसकी मदद करें। होता ये प्लैटिपस महाशय है। तेरे उस्ताद, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ख्याल था तुम लोगों के पास पैसे नहीं है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, आओ चलते चलते बातें करें। अब तुम सोच रहे होगे कि मेरे स्पेस स्टेशन में दो बड़ी बड़ी बाहें क्यों लगी हैं? वैसे तुम्हें हैरानी इस बात की होनी चाहिए कि इसके दो बड़े बड़े हाथ क्यों हैं? मैं जवानी के दिनों में हैंड शैडोज में बड़ा माहिर था, उससे पार्टियों में लोगों का मनोरंजन करता और लड़कियों से दोस्त भी करता। लेकिन फिर एक दिन शहर में एक नया पपेटियर आया, उसका नाम था हांस और उसके बड़े बड़े हाथ थे। उसे बुलाते थे ह्यूज हैंड्स हांस। उसकी पपेटरी बेकार थी, पर बदकिस्मती से वो मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छी लगी, वो उसके बड़े बड़े हाथों पर फिदा हो गई। उसके बाद मैंने शैडो पपेटरी की है, तो आज रात को एक घंटे बाद जब सूरज उगेगा ठीक उस तरफ, तो जानते हो शहर के सारे लोगों को मेरे हाथों की छाया कहाँ दिखाई देगी? वहाँ चांद पर। वो उधर है। बड़ी गड़बड़ है। कैंडिस, तुम्हारा रॉकेट गिर सकता है, तो मुझे बचाने में मदद करो। तुम्हें स्पेस सूट पहनना पड़ेगा, पीछे हुक में टंगा है। ठीक है, अब पहन लो उसे। हाँ पहन रही हूँ। अब तुम दरवाजे तक जाओ। ठीक है, मैं पहुँच गई। अब उसे खोलो और चल कर हमारी शिप तक आ जाओ। क्या? कैंडिस, डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है? बाहर कड़कड़ाती ठंड है और दूर दूर तक अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं फंसी रहोगी। एक बार कह दिया ना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। हम ज्यादा दूर नहीं है, आखिर तुम इतना डरती क्यों हो? हाँ मैं डरूंगी, मैं ऐसी ही हूँ। कैंडिस, शांत हो जाओ और फर्ब का हाथ पकड़ो। फर्ब का हाथ? थैंक यू। मिशन कंट्रोल, कम इन मिशन कंट्रोल। हाँ, अब हम घर आ रहे हैं। बहुत अच्छे। तो फिनियस, तुम्हें याद है आज रात वो डांस? और एक मिनट रुको इजाबेला, शायद फ्यूल खत्म हो गया। तो कहीं से फ्यूल का इंतजाम करो और घर चलो। मुश्किल होगा, ये धरती थोड़ी ही है। तुम्हारा मतलब हम लोग यहाँ स्पेस में फंस गए हैं? फिनियस, वो क्या है? मुझे कुछ नहीं पता।
इस लाल रंग की कार का मालिक प्लीज अपनी कार हटा लें। इस इलाके में सिर्फ शटल्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। क्या मतलब हुआ इसका? मैं नहीं जानता। मिल्कशेक्स? वाह कितना चमकदार है, मुझे लगा कोई ग्रह होगा। शायद हमें यहाँ ईंधन मिल जाए। तुम सचमुच हमारे साथ नहीं आना चाहती? फब कहता है यहाँ पृथ्वी के बराबर ऑक्सीजन है। हाँ होगी, तुम फ्यूल का इंतजाम करो और फौरन यहाँ से निकलो। ये रहा तुम्हारा वनीला मिल्कशेक। ड्रिंक बहुत ही टेस्टी है। हाय, मैं हूँ फिनियस और ये है फब। क्या कहा तुमने? तुम फिनियस और फब हो? हाँ? दोस्तों, नए मालिक आए हैं। ये नए मालिक? ये इलाका इसमें भी है। फब, ये हमारा ग्रह है। वाह, साइन तो काफी चमकदार है। कहा था ना वो आएंगे। तो इस होटल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जानता हूँ ये थोड़ा पुराना। इसे अपने हिसाब से ठीक कराऊंगा। तुम्हारे लिए ये बड़ी परेशानी की बात होगी ना कैंडिस? मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं भी सुबह से फिनिस को डांस के लिए बुला रही। इतनी देर कैसे लग गई उन्हें? अब तक तो उन्हें फ्यूल मिल जाना चाहिए था। बाद में बात करती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वही रुक जाओ, मुझे अंदर जाने दो। फिनियस और फॉब ने कहा है कि किसी को जबरदस्ती मत घुसने देना। जबरदस्ती नहीं घुस रही हूँ, मैं उनकी बहन हूँ। सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई, उनसे मेरी शिकायत मत करना। मैं उनकी बहन हूँ। दूर है अर्थ से एक दोस्ता रॉक, जो भी आता यहाँ उसे है लगता शौक। ये है शूटिंग स्टार मिल्कशेक बार, ये फिर भी आना चाहे यहाँ कोई बार बार। ये है शूटिंग स्टार मिल्कशेक बार, जिसका अच्छा हो नसीब आता हमारे वो करीब। क्योंकि सबसे अलग है जगह है ये अजीब, क्या है अच्छा तुम्हारा नसीब। यू गॉट शेक 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 योर एस्टेरॉयड, शेक 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 योर एस्टेरॉयड। कैंडिस, जानती हो ये हमारा ग्रह है। भूल गए हमें घर जाना है? हमने सोचा इस होटल को ठीक करा लें। हम इसके मालिक हैं। परेशान मत हो, एक मिल्कशेक ही पी लो। ओ, मैं ये नहीं कर सकता। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल नहीं। आज रात हम एलियंस की डांस पार्टी है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाना चाहता हूँ, पर उसने मना कर दिया। तो मेरा मजाक उड़ाया, तो उसके दोस्त मुझ पर हंसे, तो और दोस्त के दोस्त भी मुझ पर हंसे। तो क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं डर रहे हो? मतलब ये बताओ, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा? ये पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। प्लीज, तुम्हें उससे डांस में जाने की बात करनी चाहिए। अच्छा, क्या वो चलेगी? जरूर, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, उससे पूछता हूँ। सिल्विया, क्या तुम मेरे साथ डांस पर चलोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं तो सोच रही थी कब पूछोगे। मतलब तुम किसी और को बुलाते तब भी मैं तुम्हारे साथ ही जाती। देखा कितना आसान था। तो कैंडिस? ओ, मैं समझ गई, मुझे सबक मिल गया। समझ गई कि अगर जर्मी का सिर मेरे सिर के पीछे उग रहा होता तो उससे पूछना मुश्किल नहीं होगा। अब जल्दी से फ्यूल का इंतजाम करो और चलो यहाँ से। वाह, मैं पूछना चाहता था मिल्कशेक कैसा लगा। आप बता सकते हैं कि हमें रॉकेट का ईंधन कहाँ मिलेगा? रॉकेट का ईंधन? रोनाल्डो वही तो पीता है। सिर्फ इम्पोर्टेड रॉकेट का ईंधन, शुक्रिया। चलो चले। हे फब, शायद कैंडिस जाना चाहती है। तुम चलते हो या नहीं? ओके, बहुत हुआ, अब मैं नहीं रुकूंगा। वाह, चलो शटल को पार्क करें। ओह कम ऑन, अब मुझे अंदर जाना चाहिए। स्पीड कम क्यों हो गई? समझ नहीं आ रहा, ईंधन तो काफी सारा है, शायद बैटरी खत्म हो रही है। ओ कैंडिस, जब तुमने वीडियो फोन पर बात की तब इंजन बंद था क्या? क्या मैंने गलत किया? अगर गलत का मतलब ये है कि हम कड़कड़ाती ठंड और दूर दूर तक फैले अंधेरे में फंस गए हैं तो हाँ। जल्द ही प्लैटिपस महाशय, धूप तेज हो जाएगी और मैं अपना प्लान पूरा करूंगा। बादल छाए हो तो और बात है, वो मेरे बस में थोड़ी है। कोई आस पास है? स्पेस में इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या हो रहा है? तुम्हें दूसरी बैटरी की जरूरत है कैंडिस, वीडियो फोन पर बात करते वक्त रॉकेट का इंजन चालू था ना?
क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये बात पता नहीं थी? तो अब क्या करें इजाबेला? सेंसर्स बात कर रहे हैं, तुम्हारे आसपास पावर सोर्स है। कहाँ? मुझे नहीं दिख रहा। एक मिनट ठहरो, दिख गया, मॉम की कार। हम बच गए। फब, मुझे स्टार्टर रिमोट देना। याद आया, वो तो घर पर ही रह गया ना। ये स्टार्टर रिमोट क्या है? वेल, कानूनन हम कार चलाने के लिए छोटे हैं, लेकिन चुप कर स्टार्टर रिमोट से चला लेते हैं। मगर तुम्हारे पास कैंडिस लर्नर्स परमिट है, तुम बैटरी जोड़कर कार चलाओगी। क्या? ओह नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ नीचे पड़े हुए नट बोल्ट्स और स्पेयर पार्ट्स की मदद से कोई बढ़िया सी मशीन बनाकर हमें घर तक नहीं पहुँचा सकते हो क्या? कैंडिस, हम अब भी बच्चे हैं। मैं बहस क्यों कर रही हूँ, दे दो मुझे वो सूट। मैं ऑक्सीजन ऑन करता हूँ। मैं सूट में अजीब सी लग रही हूँ। हाँ, लग रही हो, शायद मैंने प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया। रुको, मैं ठीक करती हूँ। मेरे ख्याल से ये ज्यादा सही तुम है। तुम कर सकती हो कैंडिस। हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हाँ? ये कौन है? एक एस्ट्रोनॉट इतने बड़े ग्लोव्स क्यों पहनेगा? मैं समझ गया, ह्यूज हैंड्स हांस। ये ह्यूज हैंड्स हांस है, इसने मुझे स्पेस में ढूंढ लिया। अब ना तो मैं तुम्हें पार्टियों में वाह वाह लेने दूंगा ह्यूज हैंड्स हांस, और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड। बताना तो फिनियस, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को ग्राउंड में। कौन सा ग्राउंड? भूल गए हम स्पेस में हैं। नहीं नहीं, ग्राउंड का मतलब किसी मेटल से लगा। किसी भी मेटल में? तो उसे ग्राउंड क्यों कहते हैं? सीधे सीधे मेटल क्यों? क्या हुआ कैंडिस? कैंडिस, कैंडिस क्या हुआ? डैनवेल, हम मुसीबत में हैं। ठीक है दोस्तों, फायरसाइड गर्ल्स की मैनुअल में रॉबर्ट वाला सेक्शन निकालो। इजाबेला, पता चला? देख रहे हैं। ठीक है, इसके मुताबिक फौरन वहाँ से निकल जाओ। Great. लेकिन पावर खत्म हो गई है, उसने नेगेटिव। कैंडिस, नेगेटिव को ग्राउंड में। क्या? नेगेटिव को ग्राउंड में, कैंडिस, नेगेटिव को ग्राउंड में। ओह, मतलब नेगेटिव को मेटल में। मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। उसने कर दिया। नहीं, जो चांस चांस भाग रहा है, इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कायर। तुम मुझसे भाग सकते हो पर मुझसे बच नहीं सकते, जानते हो वो भाग कर भी मुझसे। आओ, ये क्या हुआ? तुमने कैसे? ओ, अब समझ गया। बात हो गया, मजा चखाता हूँ। इजाबेला, तुम्हें फिर से तकलीफ दे रहा हूँ। उसमें कुछ और लिखा है, रोबोट नजदीक आ रहा है। ये मुड़ नहीं पाता। मुड़ नहीं पाता, ठीक है। कैंडिस, सीट बेल्ट बांध लो, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। अरे, वो आगे कैसे आ गई? फिनियस, तुम क्या कर रहे हो? देखा, आराम से मोड़ लिया। भाग गए ना डरपोक प्लैटिपस। अब मुझे अपना स्पेस सूट पहन लेना चाहिए। यंग मैन, अब मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। तुम्हारा टिप, तुम्हारा अपना एक स्टार। शहर में लोग तारे देते हैं। मैं धरती पर पहुंच गई। तुम सब का माल हो। थैंक्स, तुमने भी काफी मदद की। थैंक्स। तो क्या तुम आज रात को मेरे साथ द नाइट ऑफ द फॉलिंग स्टार्स वाली डांस पार्टी में चलोगे? मजा आ जाएगा। सचमुच? फब, आज क्या प्रोग्राम है? ठीक है, हम चलेंगे। दोनों आओगे? हाँ, तुम यहीं आ जाना, हम सब एक साथ चलेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लिफ्ट के लिए शुक्रिया विवियन। मॉम, हे कैंडिस, ओ ये क्या पहना है? हे, जानती हो हम जीत गए, लेकिन हमें प्राइज में एक ग्रह मिला। मॉम, बहुत बढ़िया है, पर आइए ना, आपको एक चीज दिखाती हूँ, जल्दी आइए, आइए। ठीक है, आ रही हूँ। पहले मैं कार को गैराज में रख दूँ, फिर आती हूँ। यस, अभी भी यही है। देखिए मॉम, इस तरफ। मॉम, मैं कार पार्क कर रही हूँ, बस अभी आई।
क्या दिखाना चाहती थी कैंडिस? अब जाकर पिज्जा बनाइए या फिर फ्रूट सैलेड हो जाए। चल भी तीन के डब्बे, दूसरी बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। कैंडिस, क्या है? फोबा, मैं थैंक्स कहना चाहते हैं। हम ऊपर बड़ी खतरनाक हालत में थे। अगर तुमने बहादुरी ना दिखाई होती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा? क्या मैं सच में बहादुर हूँ? बिल्कुल हो, फोब तुम्हारी तारीफ कर रहा था। हाँ, मैं बहादुर तो हूँ, मैं बहादुर हूँ। आज मैं किसी से भी नहीं डरने वाली हूँ। मुझे जाना है, मुझे एक मिशन पूरा करना है। हे बैरी, कहाँ थे तुम? जेरेमी, मेरे साथ डांस पार्टी में चलोगे? कैंडिस? हाँ। सोच रहा था तुम कब पूछोगी। अच्छा? हाँ, लेकिन कैंडिस, क्या तुम ये सूट पहनकर चलोगी? क्यों, तुम्हें पसंद है? हे कैंडिस, वो देखो, एक टूटता तारा सिर्फ हमारे लिए। एलियंस के देश में आओ, चलो स्पेस में चले। तुम्हारा तो गाना जो प्लैटिनम पेरी, और तुम्हारा भी यूज हैंड्स। कितनी रोमांटिक जगह है ना।